लाहौर और जुड़वा शहरों में एहतियाती इकदामात के साथ मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। मुसाफिरों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। लाहौर और जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस 5 माह बाद बहाल कर दी गई, जबकि जिंद में सेक्टरी पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने 10 निकाती SOPs के साथ सर्विस की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिस पे अमल दरामद करना लाजिम होगा। SOPs के तहत मास्क के बगैर शहरियों को मेट्रो बस में सफर की इजाजत नहीं होगी, जबकि मुसाफिरों को एक निश्चित छोड़कर बैठने की हिदायत की गई है। इसके अलावा बस में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी होगी। लाहौर मेट्रो बस हुकाम के मुताबिक सर्विस बहाल करने से पहले हिफाजती इकदामात उठाते हुए तमाम बसेस को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया, जबकि मेट्रो बस पूरा हफ्ता सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलेगी। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत ने 23 मार्च से लाहौर रावलपिंडी और मुल्तान मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी थी। तहम सूरत हाल में बेहतरी के बाद अब दोबारा से सफरी सहूलियात बहाल कर दी गई हैं।